हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूवर्स, इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम ऐड करेंगे अपनी पाकिस्तानी करेंसी को और हम ये भी देखेंगे कि हम मल्टी करेंसी को कैसे यूज कर सकते हैं क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले इसका मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ। अभी मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की और उस चेंज करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि बाय डिफॉल्ट क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त हमें वो कौन सी करेंसी दे रहा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी कौन सी करेंसी अभी आ रही है करंटली। तो हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, वहां चलते हैं सेल हिस्ट्री में और कोई भी एक सेल स्लिप निकाल के देख लेते हैं। तो आप ये देखें, ये टोटल टोटल के साथ जो साइन बना हुआ आ रहा है ये है डॉलर का साइन, $250, जबकि हम तो पी के आर में बना रहे हैं और हमें तो चाहिए पाकिस्तान में जब हम चलाएंगे तो हमें चाहिए कि हम पी के आर में वैल्यू को जनरेट करें, पी के आर वैल्यू में बिल बनाएं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिलहाल में मेरी तो विंडो 10 है, मैं विंडो 10 के लिहाज से आपको बता रहा हूं, लेकिन अमूमन जो मैं सेटिंग करने जा रहा हूं वही सेटिंग आपके चाहे विंडो 7 हो चाहे विंडो 8 हो वही होनी है। तो तरीकेकार तकरीबन सेम होगा, ऑप्शंस में हो सकता है कोई फर्क आ जाए पर तरीकेकार तकरीबन सेम होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं विंडो बार प्रेस करूंगा, अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद सिंपल मैं लिखूंगा, अगर किसी को नहीं पता तो वो लिखे कंट्रोल पैनल। ठीक है जी, जैसे आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे आप ये कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल में पहुंच जाएंगे। किसी का व्यू ऐसे आ रहा होगा जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट वेट कीजिएगा। किसी की तो ऑप्शन ऐसे आ रही होंगी और किसी की ऑप्शन ऐसे आ रही होंगी। तो आसानी के लिए आप व्यू बाय पे जाके इसको कैटेगरी में क्लिक कर लें ताकि आपको आसानी से वो ऑप्शंस मिल जाएं जो हमने सेटिंग में चेंज करनी है। उसके बाद आप क्लॉक एंड रीजन पर चले जाएं, फिर आप रीजन पर चले जाएं। रीजन पर जाने के बाद आप यहां ऊपर देख रहे हैं फॉर्मेट आ रहा है इंग्लिश यूएस, हम एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, अब यहां मैं आपको पहले दिखा दूं, ये ऊपर कस्टमाइज फॉर्मेट से नीचे जो टैब बने हुए चार, इस टैब में दूसरा टैब है करेंसी का, इस पर आपने क्लिक करना है और यहां आप देख लें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों डॉलर में दे रहा है, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है विंडो भी जो बाय डिफॉल्ट हमें करेंसी दे रही है वो डॉलर में दे रही है। करेंसी सिंबल भी आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर में है, उसके बाद नीचे तमाम वैल्यूज भी डॉलर में है। आप अगर यहाँ पे लिस्ट खोलें तो दो ऑप्शन आ रही हैं, एक यूरो की और एक डॉलर की। आप मजीद करेंसी भी कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन हमें फिलहाल अभी पी के आर रुपीज वाली करेंसी ऐड करनी है। अब यहाँ तो ऑप्शन ही दो है, विंडो 7 और या विंडो आई थिंक विंडो 7 में तो आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगी रुपीज या पी के आर की लिस्ट में, लेकिन 10 में आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रही। तो आपने क्या करना है, इसको पहले कर देना है कैंसिल। आपने यहां से फॉर्मेट लेना है इंग्लिश पाकिस्तान। ठीक है जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, ये ऑप्शन आ रही है, ये देखिए ये ऑप्शन आ रही है इंग्लिश पाकिस्तान की, इसको आपने क्लिक करना है, अप्लाई करना है, देन आपने जाना है एडिशनल सेटिंग में और फिर करेंसी। अब देखिए मैंने हालांकि सिर्फ वहां पे अभी इंग्लिश पाकिस्तान किया है, इस तरह यहाँ रुपीज में मुझे ये सिंबल दे दिया। इसी तरह आप मजीद भी एक जो करेंसी चाहें वो वहां से ऐड कर सकते हैं। आपने कोई भी आपने जैसे इंडियन आपने करनी हो, मैं इंडियन आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपने इंडियन करनी हो अगर तो उसका भी क्या तरीकेकार है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी हम लिस्ट में से चेक करते हैं इंडिया का नाम, ये देखिए जी इंग्लिश इंडिया। आप इंग्लिश इंडिया जैसे ही करेंगे, अप्लाई करेंगे, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, करेंसी में जाएंगे तो ये देख लीजिए आ गया जी। इसी तरह आप कोई भी करेंसी को यहाँ पे जब सेटिंग में चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में लाजमी जाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा से इसको रीसेट करूँ, अगर बल्कि मैं रीसेट नहीं, मैं
कृषि ही को चेंज करता हूँ क्योंकि वो जरूरी है वहाँ से चेंज करना। मैं यहाँ पे जाऊँगा इंग्लिश में और इंग्लिश में फ़ौरन से वहाँ अपनी पाकिस्तानी करेंसी को ऐड करूँगा। इंग्लिश पाकिस्तान किया, अप्लाई किया, रिटर्न सेटिंग में जाके देखा आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई है, ओके किया, यहाँ से ओके किया, इसको क्लोज़ किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ से होम पे जाता हूँ दोबारा से मैं, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि मैं सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं देखता हूँ क्या ऐसे ही आ जाएगा या नहीं। जी ऐसे नहीं, मैं इसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ। रिस्टार्ट मैंने किया है, अब मैं एक न्यू रिसिप्ट लेके देखता हूँ कि क्या वो एंड रुपीज़ में दे रहा है। ये देखेंगे डॉलर का साइन ख़त्म हो गया, मेरी न्यू रिसिप्ट थी। अब मैं सेल हिस्ट्री में जाकर देख लेता हूँ कि सेल हिस्ट्री में वो चेंज कर रहा है या वो उसको वही रख रहा है। सेल हिस्ट्री में वही रख रहा है, लेकिन क्योंकि ज़रा पहले की एंटर हुई हुई है इसलिए इसको वो डॉलर में ही रख रहा है। अब हम लेकिन एक न्यू लेके देख लेते हैं सेल कि क्या हमें यहाँ वो रुपीज़ में देगा या नहीं। आइटम हमने जो पहले ऐड किए हैं फिलहाल वो कोई ले लेते हैं, कोई ऐड की भी हमने, अच्छा हमने देखते हैं कोई ऐड की भी है कि नहीं, ये एक हमारे पास आ रही है फिलहाल हम इसी को ले लेते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। ठीक है जी, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर का साइन कहाँ गया, चेंज हो गया, आपकी अब करेंसी पी के आर में आ रही है। आप इसको एज इट इज सेव करें और इसका प्रिंट लेके देखिए। मजीद प्रीव्यू तक हम जाते हैं कि प्रीव्यू तक भी हमें ये दे रहा है कि नहीं दे रहा, देख लीजिए कोई डॉलर का साइन नहीं आ रहा, ये हमें रुपीज़ में दे रहा है। ठीक है जी, आपको मैंने प्रीव्यू तक ले जाके दिखा दिया ताकि आपको बिल्कुल कोई मसला ना आए। तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो मल्टी करेंसी को ऐड करने की। हमने अपनी पी के आर करेंसी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसको ऐड करके देखा है। तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस ही वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, वो वहाँ पे देना आसान होगा और बाकी लोगों की भी इससे हेल्प हो जाएगी। इररिलेवेंट क्वेश्चन को हम लास्ट सेशन में बिल्कुल लेंगे, बाकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है उसको हम साथ साथ देते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर करना नहीं आता आपको तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पोस्ट करें, इसका सवाल उठाएं कि हमें सब्सक्राइब करना नहीं आता, हमें सब्सक्राइब करने का तरीका बता दें, तो मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगा। लेजी व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।